हेलो एवरीवन, सो दिस इज द फर्स्ट वीडियो ऑन दिस न्यू यूट्यूब चैनल। और बेसिकली हमारा इंटेंशन क्या है इस नए यूट्यूब चैनल खोलने का या इन वीडियोस बनाने का, ताकि जो भी स्टूडेंट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी भी एग्ज़ाम का, चाहे वो यूपीएससी हो या स्टेट पीएससी हो या कोई दूसरा एग्ज़ाम हो जहाँ पे जीएस काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो ऐसे कंटेंट हम अपलोड करें, वीडियो बनाकर डालें जो रिविजन पर्पज के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाए। तो जो हमारे वीडियोस का लेंथ होगा वह काफ़ी छोटा होगा, ताकि आसानी से हम रिवाइज कर पाए उस चीज़ों को। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम आज के इस नए वीडियो से, पॉलिटी के वीडियो से, जहां पे हम स्टार्ट करेंगे जो पहला चैप्टर है पॉलिटी का, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को समझें तो इसको दो भाग में बांटा गया है ब्रॉडली, द कंपनी रूल एंड द क्राउन रूल। तो जो भी एक्ट रेगुलेट या एक्ट या रेगुलेशन लाया गया इन द कंपनी रूल, तो उसमें इंटेंशन क्या था, उसमें रेगुलेट करना था ईस्ट इंडिया कंपनी को। वहां पे इंडियन सिटीजन पे कोई असर नहीं हो रहा था, वहां पे ब्रिटिश पार्लियामेंट कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी इंडिया में रूल कर रही थी और ट्रेड करने आई थी, बाद में उसने रूल करना स्टार्ट कर दिया, उसे कंट्रोल करना इंटेंशन था। फिर 1858 के बाद जो भी रूल्स है क्राउन रूल, वहां पे इंडियन सिटीजन्स पे कंट्रोल करने का कोशिश किया गया। तो जो पहला एक्ट आया, सबसे पहला वह रेगुलेटिंग एक्ट 1773, यहां आप लोग देख सकते हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो आप लोग देख सकते हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में जो पहला स्टेप क्या था, इट इज द फर्स्ट स्टेप टेकन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। तो इस एक्ट के थ्रू पहला स्टेप लिया गया ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा, क्या करने के लिए, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अफेयर्स को कंट्रोल करने के लिए, जो इंडिया में आकर वो रूल कर रही थी, जो उसका डिफरेंट डिफरेंट अफेयर्स था, तो उसे कंट्रोल करने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इस एक्ट को लाया। तो इट इज द फर्स्ट स्टेप। फिर एक्ट क्या करता है, एक्ट रिकॉग्नाइज द पार्लियामेंट, रिकॉग्नाइज द राइट ऑफ पार्लियामेंट टू रेगुलेट द सिविल मिलिट्री एंड रेवेन्यू अफेयर्स ऑफ द कंपनीज टेरिटरीज इंडिया। तो एक्ट क्या करता है, पार्लियामेंट को पावर देता है कि इंडिया में जो भी कंपनी की टेरिटरीज है वहां पे उसको रेगुलेट कर सके इन द मैटर ऑफ सिविल मिलिट्री एंड रेवेन्यू अफेयर्स। ठीक है, तो इस तरह से यह एक्ट क्या किया, इस एक्ट ने रिकॉग्नाइज किया पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन द कंपनी। तो पहले क्या लग रहा था कि कंपनी सिर्फ ट्रेड कर रही है, बिजनेस कर रही है, लेकिन इस एक्ट के थ्रू ब्रिटिश पार्लियामेंट ने रिकॉग्नाइज किया कि एक्ट जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो सिर्फ बिजनेस नहीं कर रही है, ट्रेड नहीं कर रही, बल्कि वहां पे पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव रोल भी प्ले कर रही है। और इस तरीके से क्या होता है, इट लेड द फाउंडेशन ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया, वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि विच एक्ट लेड द फाउंडेशन ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। किस तरह से सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन एस्टैब्लिश करता है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट वहां बैठकर यहां के मतलब अफेयर्स पे रेगुलेशन ला रही है, इस तरह से सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का स्टार्ट होता है। फिर क्या किया, इट डिजिग्नेटेड द गवर्नर ऑफ बंगाल एज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एंड क्रिएटेड एन एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ 4 मेंबर्स टू असिस्ट हिम। गवर्नर ऑफ बंगाल को बना दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल और उन्हें 4 मेंबर्स एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल दे दिया गया उनको असिस्ट करने के लिए। और जो पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाए गए उनका नाम था लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, फिर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता कंप्राइजिंग 1 चीफ जस्टिस एंड 3 अदर जजेस। और 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट का एस्टैब्लिशमेंट किया गया जहां पे 1 चीफ जस्टिस और 3 अन्य जज दिए गए। ठीक है, यही नहीं, इट प्रोहिबिटेड द सर्वेंट्स ऑफ कंपनी फ्रॉम engaging any private trade or accepting presents or bribes from the natives। क्योंकि करप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था, तो ये एक्ट क्या किया, चूँकि मकसद ही था ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिशियल्स को कंट्रोल करने का, तो जो वहाँ के ऑफिशियल्स थे उनको प्रोहिबिट किया गया, मना किया गया किसी तरह के प्राइवेट ट्रेड में इन्वॉल्व खुद को करने से, और किसी नेटिव पीपल से वहाँ के लोकल इंडिया के जो लोकल लोग थे उनसे ब्राइब लेने के लिए या कोई भी प्रेजेंट गिफ्ट लेने से, तो मना किया गया, प्रोहिबिट किया गया। और इस तरह से क्या किया, इस तरह से स्ट्रेंथन द कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट ओवर द कंपनी बाय रिक्वायरिंग द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स
टू रिपोर्ट ऑन द रेवेन्यू सिविल एंड मिलिट्री अफेयर्स ऑफ इंडिया। इन सारे स्टेप से एक और क्या किया कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का एस्टेब्लिशमेंट किया गया इंडिया में, और इसका काम क्या था, इंग्लैंड में ब्रिटिश पार्लियामेंट को रिपोर्ट करना ऑन द मैटर ऑफ रेवेन्यू सिविल एंड मिलिट्री अफेयर्स इन इंडिया। ठीक है, एंड इट दिस एक्ट ऑल्सो मेड द गवर्नर्स ऑफ बंगाल एंड मद्रास प्रेसिडेंसीज सबॉर्डिनेट टू द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, अनलाइक अर्लियर व्हेन द थ्री प्रेसिडेंसीज वेर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच वन अनदर। तो इस एक्ट से पहले क्या था, तीन प्रेसिडेंसी थी, बॉम्बे, बंगाल एंड मद्रास, तीनों के गवर्नर इंडिपेंडेंट थे, सारा कुछ इंडिपेंडेंट काम करते थे। लेकिन इस एक्ट के बाद गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को ऊपर कर दिया गया और बॉम्बे और मद्रास के जो प्रेसिडेंसी के जो गवर्नर गवर्नर थे उनको उनका सबॉर्डिनेट बना दिया गया, सबॉर्डिनेट बना दिया गया। ठीक है, तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो पहला क्या था कि ये पहला स्टेप था कंट्रोल करने का, और ये कैसे किया गया, उसको रिकॉग्नाइज किया गया पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन को सिविल मिलिट्री और रेवेन्यू अफेयर्स पे रेगुलेट करने का राइट मिल गया पार्लियामेंट को। फिर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया, गवर्नर ऑफ बंगाल को। ठीक है, पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट होता है, और जो कंपनी के ऑफिशियल्स थे उनके सर्वेंट्स को उनके प्राइवेट ट्रेड से रोका जाता है, और किसी तरह के प्रेजेंट लेने से या ब्राइब्स लेने से उसे रोका जाता है। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का एस्टेब्लिशमेंट होता है, जिसका काम होता है ब्रिटिश पार्लियामेंट को रिपोर्ट करना ऑन द मैटर ऑफ सिविल मिलिट्री एंड रेवेन्यू अफेयर्स, और मेड द गवर्नर्स ऑफ बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी के जो गवर्नर थे उनको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के सबॉर्डिनेट कर दिया जाता है। ठीक है, तो इस वीडियो में एक ही एक्ट, फिर नेक्स्ट वीडियो में जो हमारा अगला एक्ट होगा उसके बारे में बात करेंगे। तो अगर अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब कर ले, सपोर्ट करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।